हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए सीखते हैं कि लिब्रा कैल्क में जब हम कोई भी बड़ा नंबर लिखते हैं, सपोज कीजिए आधार कार्ड नंबर अगर आपको लिखना है या फिर कोई भी इस तरह का बड़ा नंबर अगर आप लिखना चाहते हैं तो बड़ी दिक्कत आती है। तो यहां पर देख सकते हैं, यहां पर लिब्रा कैल्क मैंने ओपन कर रखा है और यहां पर अगर सपोज कीजिए आधार नंबर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे कोई भी आधार नंबर है उसको या फिर बड़ा नंबर लिखना है हमें, तो जैसे ही हम उसको लिमिट क्रॉस करते हैं तो और एंटर प्रेस करते हैं तो ये देखिए ये क्या हो गया, ये इस तरह से लिखा हुआ आ जाता है। ठीक है, यानी अगर हम यहाँ पे देखिए, फिर से मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे 6 अंक 7 8 9 9 अंकों तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे ही मैं आता हूं और फिर यहाँ पे फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब ये 10 हो गया, अभी 10 तक भी चलेगा लेकिन 11 जाते देखिए क्या होगा। यहाँ पे मैं लिखता हूं, एक और बढ़ाया मैंने, ठीक है, जैसे ही मैंने एक बढ़ाया यानी कि एक जैसे ही मैं कम कर देता हूं यहां से, देखिए अभी यहां पे कितने नंबर हैं काउंट करिए, 10 नंबर आप लिख सकते हैं, यानी मोबाइल नंबर आप आसानी से राइट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एसटीडी कोड लगाकर यही मोबाइल नंबर लिखना पड़े तो बड़ी दिक्कत आएगी। देखिए मैं यहां पे लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां तक तो एक्सेप्टेबल है, देखिए इंटरप्रेस करता हूं ये एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन जैसे ही 11वां अंक हम लिखते हैं तो ये ASCII कोड में परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। ये अगर हमें बड़ा अंक ऐसा लिखना हो तो हमें क्या करना होगा, ये हमें समझना है। तो यहां पर रखना है कर्सर को और राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करके आपको जाना है फॉर्मेट सेल्स पे, और फॉर्मेट सेल्स पे जाने के बाद एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, ये देखिए ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है, और हमें इस वाले डायलॉग बॉक्स में से आकर के यहां पे देख सकते हैं आप, आपको चूज करना है टेक्स्ट, क्या चूज करना है टेक्स्ट, तो यहां से आप टेक्स्ट चूज कर लीजिए और यहां से प्रेस कीजिए ओके। ठीक है, अब आइए यहां पे कुछ लिखता हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 और ये 12 अंकों का नंबर हमने लिख दिया और ये एक्सेप्ट कर गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आधार कार्ड या ऐसा ही कोई बड़ा नंबर अगर आपको लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं लिब्रा कैल्क में। ठीक है, एक्सेल में भी करने का तरीका सेम ही है, तो ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।